सतीश कौशिक जी ने कुछ 15 करोड़ रुपए विकास मालू को दिए हुए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब सतीश कौशिक जी हमारे दुबई वाले घर पे आए 23 अगस्त 2022 में, तो उन्होंने अपने वो पैसे विकास मालू से वापस मांगे कि मुझे मेरे पैसे की जरूरत है और मुझे चाहिए। तो उस दिन उनका इस बात पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया, और ये आर्ग्यूमेंट में विकास मालू ने बोला कि मैं आपको ये पैसे आपके इंडिया में दूंगा। ये आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट डे भी चला, 24 अगस्त को भी, और उसमें भी सतीश जी को यही कहा गया कि ऐसा है, आपको जब बोल दिया गया है तो आप क्यों इस बात का शोर और हल्ला मचा रहे हैं कि आपके पैसे वापस किए जाएं, और आपको ये पैसे मैं इंडिया में दूंगा, और कोई लिखा पढ़ित तो है नहीं इन पैसों की, कैश ट्रांजैक्शन है तो आप कोई कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंडिया में ये पैसे दूंगा। जब ये आर्ग्यूमेंट मैंने सुनी, उस बीच तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब विकास मालू जो कि मेरे हस्बैंड है, जब बेडरूम में आए और मैंने उनसे पूछा कि ये किस बात का लेन देन था और किस बात का आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि सतीश जी ने उनको कोई 15 करोड़ रुपए दिए थे और जो कि कोरोना के टाइम डूब गए, तो अब उनका कोई इरादा नहीं था वो पैसे वापस करने का। तो उन्होंने कहा कि मैं ये पैसे वापस नहीं करूंगा और सतीश जी कुछ ज्यादा ही हंगामा कर रहे हैं, तो मैं जो है रशियन गर्ल्स बुला के कुछ पिल्स वगैरह देके इनका काम तमाम करूंगा। ये आर्ग्यूमेंट मेरे सामने हुई थी, ये बात मुझे मेरे सामने बोली गई थी, ये अगस्त में जब इनका आर्ग्यूमेंट हुआ था, 23 अगस्त 24 अगस्त, ये उस टाइम 2022 उस दौरान की बात है ये। तो जब मैंने अब ये न्यूज में पढ़ा कि उनकी ऐसे ऐसे होली पार्टी के टाइम डेथ हुई है, प्लस वहां से ड्रग्स मिले गए हैं, तो मेरे को ये बात सामने लाना जरूरी था कि ये आर्ग्यूमेंट मेरे सामने हुई थी ऐसी, और इस एंगल से भी इस केस को देखा जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये एक मर्डर एंगल भी हो सकता है, क्योंकि पैसों का मामला इन्वॉल्व था।